महाराष्ट्र कभी शिफ्ट नहीं किया इस गाड़ी के साथ। वो टॉप मॉडल फियरलेस प्लस, मतलब जो है वो टॉप मॉडल है बिल्कुल फियरलेस प्लस। और ये टाटा हैरियर, आपको सफारी और हैरियर आपको आते पता है उन्होंने क्या कर दिया, मैं आपको बता दूं अभी सेकंड वाले, ये पूरा का पूरा DRL है वो कनेक्टेड उन्होंने कर दिया है, पूरा का पूरा कनेक्टेड कर दिया, चेंज बिल्कुल देखने को नहीं मिलती है। टाटा हैरियर हो सकती है, होंडा भी नहीं हो सकती, क्योंकि टाटा की बिल्ड क्वालिटी जवाब नहीं है कि नहीं। अब ये लेने से पहले कौन सी ले, मतलब सोच रहे थे प्लानिंग, क्योंकि ये प्रीमियम है सेगमेंट गाड़ी, यही आप टाटा के ट्रू लवर हो क्या? घर अभी बैठ चुका हूं मैं टाटा के हैरियर में, अब ऐसे ओनरशिप रिव्यू एक्सपीरियंस आपको कराऊंगा, इस टाटा हैरियर के मालिक को भी आपको दिखा देता हूं। लेकिन ये गाड़ी देख लो यार क्या रखते हैं यार, वेल मेंटेन आगे हो चाहे पीछे हो, अभी टाटा हैरियर में ही है ये, क्योंकि सेकंड मतलब सेकंड जनरेशन टाटा हैरियर फर्स्ट फेसलिफ्ट में बैठा हुआ, उस टाइम भाई इस टाइप के फीचर आए थे, अभी तो पूरी जो है वो 11.3 इंचेस की डिस्प्ले वगैरह बड़ी सी कर दी, अभी तो ये जो है वो थोड़ी सी लैंडस्केप आप देख सकते हो, यहाँ पे हजार लाइट्स की वार्निंग वगैरह सब करते हैं। उस टाइम का वेरिएंट कैसे पहचान सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में ये गाड़ी आपको ये देखो ये पूरा डिजिटल और जो एनालॉग डिस्प्ले वगैरह आपको मिल जाता था। आज के डेट में बेस मॉडल भी लेने जाओ गाड़ी यार डिजिटल दे रही है, 21,000 मात्र किलोमीटर चल चुकी है यार गाड़ी, काफी कम चल चुकी है। अब इस भाई साहब के ओनर के मिला ही देता हूँ आपको, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन कर देते हैं, आप सब आपका भाई साहब नाम बता दो। आदित्य अर्जुन तोपे। आदित्य जी अपने चैनल में स्वागत है, कैसे हो बताओ पहले? अच्छा, टाटा हैरियर रखते हो भाई साहब, टाटा हैरियर का क्या प्लानिंग, मतलब अच्छी लगती है आपको गाड़ी? है गाड़ी बहुत अच्छी है, गाड़ी बहुत अच्छी है ना, आवाज मोटे ना, गाड़ी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। इसके बारे में क्या होता है, बिल्ड क्वालिटी यार क्या यार, टाटा की नेक्स्ट लेवल वाली, मारुति सुजुकी इसके साथ कंपेयर हो सकती है, ह्यूंडई हो सकती है, टाटा हैरियर हो सकती है, होंडा भी नहीं हो सकती, क्योंकि टाटा की बिल्ड क्वालिटी जवाब नहीं है कि नहीं। अब ये लेने से पहले कौन सी ले, मतलब सोच रहे थे प्लानिंग, क्योंकि ये प्रीमियम है सेगमेंट गाड़ी, सफारी। आप टाटा के ट्रू लवर हो क्या? हर एक गाड़ी टाटा की रखते हो, सफारी मतलब पहले वाली सफारी, स्ट्रोम सफारी, वो 2017 वाली स्ट्रोम सफारी जो हिल में आया करती थी, वो हमने एडवर्टाइजमेंट वगैरह देखी थी वो। भाई साहब जब चलाते हो लॉन्ग ड्राइव वगैरह करते हो इस गाड़ी के साथ, अच्छा कंटाला नहीं आता, अच्छा बहुत अच्छा, कंटाला नहीं आता, बोर नहीं होते, काफी बढ़िया लगता है, हैं एक्सपीरियंस काफी तगड़ा है। और ये भाई साहब ये 8 एयरबैग आते हैं इस गाड़ी को, सेफ्टी एक तो ये बिल्ड क्वालिटी तो इतनी तगड़ी है कि लगता है आप किसी भारी लोहे में बैठे हुए हो। ये डोर अभी खोलता हूं ना, एक हाथ से खुले भी ना ये डोर है, और अगर कोई फंस भी गया ना तो हाथ टूट जाएगा उसका। ये कोई आज के रेट में महिंद्रा भी इतनी बिल्ड क्वालिटी दे सकता है, आप क्या लगता है? नहीं दे सकता है। कितने साल रखते हो गाड़ी, कितने साल का वेरिएंट है ये मुझे बताओ, मतलब कितने साल हो गए इस गाड़ी रखे हुए, मतलब कितने साल हो गए टोटल, कितने साल वाला वेरिएंट है ये, 2019 का है, 20 का है, 21 का है, 19 का है, 19 से यहाँ तक मतलब 24 तक 4-5 साल हो रखे, सिर्फ 20,000 किलोमीटर चली, बहुत गाड़ी नहीं चलता है ना, इतना मतलब रूरल एरिया टू रूरल एरिया या फिर अर्बन एरिया टू अर्बन एरिया, मतलब आप पूरी कैपिटल नहीं चेंज करते, मतलब महाराष्ट्र कभी शिफ्ट नहीं किया इस गाड़ी के साथ, यहाँ पे ही रहोगे। अब एक बात, जब गाड़ी चलाते हो कभी कभी ऐसे मजा करने वाले इंसान भी हो, फील लेने वाले 100 के ऊपर जाती है कि नहीं, टेस्ट करते हैं या फिर 120 ट्रिपल डिजिट स्पीड बोलते हैं उसको, तब कॉन्फिडेंट आता है गाड़ी चलाते वक्त कि गाड़ी छूट रही है हाथ से या फिर कहीं अनबैलेंस हो रही है, ऐसा लगता है? बिल्कुल नहीं लगता है। वैसे बिल्ड क्वालिटी वाइज तो मानना पड़ेगा अरे टाटा वाले, ये देखो काफी ज्यादा, हर एक ना ह्यूंडई के देखोगे ना समटाइम्स यहाँ पे ना यूनिट्स बजने लगते हैं, है कि नहीं, इसका बिल्कुल बचता नहीं है, कुछ भी बनता नहीं, वाइब्रेशन नहीं। दूसरी बात है, उस टाइम 2019 वाला वेरिएंट हिल डिसेंट वगैरह इस टाइम के कंट्रोल आते, और 22 लाख में थी उस टाइम गाड़ी, आज की रेट में 25 लाख रुपए ऊपर डालने पड़ते। आपको लगता नहीं गवर्नमेंट ने थोड़ा सा टैक्स बढ़ा दिया, डीजल में, है कि नहीं? गडकरी साहब ने बहुत ज्यादा टैक्स डीजल में बढ़ा दिया है, जो भी पेट्रोल में इतना नहीं आता है, यही पेट्रोल में लेने जाते हो गाड़ी ना तो 18-19 लाख के अंडर टॉप मॉडल आराम के साथ पेट्रोल गाड़ी का उपयोग नहीं। अच्छा चीज है, अच्छी चीज है। अभी ये जो लाइट है ना, ये व्हाइट लाइट्स मिल जाए, जो भी बेस मॉडल को भी व्हाइट लाइट्स आती है टाटा को, इसके बारे में क्या करें, टाटा फीचर वाइज कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है कि नहीं, टाटा कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अभी एक बात बताओ, कुछ अच्छा बताओ गाड़ी में, जो भी आपको गाड़ी को अच्छा लगा हो टाटा हैरियर चलाते वक्त, गाड़ी के सस्पेंशन अच्छा है, नहीं एयरबैग ये टाइट है, अच्छे दोनों एयरबैग्स तो कैसे डिप्लॉय ही नहीं होगे, लेकिन सस्पेंशन आपको अच्छे लगे, एक नंबर सस्पेंशन है। जब ट्रिपल डिजिट मतलब स्पीड से जाते हो किसी गड्ढे में जाते हो, नहीं क्या ना सब जाते गाड़ी अच्छी जाते है, अच्छी जाती है, रोल ओवर कुछ अनबैलेंस वगैरह नहीं हुई आज तक, ओके मतलब वॉबल नहीं हुई या फिर आज तक एक रुपए भी काम दिया है गाड़ी ने? नहीं दिया। सर्विस पहले कितनी हो, मतलब कंप्लीट हो रखी है सर्विस? सर्विस
तीनों के तीनों हो रखे हैं फ्री सर्विस जो है क्या आपका और हर एक मेरे फ्रेंड है उसकी नेक्सॉन है किसी की पंच है टाटा पंच तो पता है नेक्सॉन तो पता है उनके बोलते हैं कि वो टाटा की सर्विस जो है वो खराब देते हैं आपको कुछ लगा है टाटा सर्विस अच्छे है आपकी स्ट्रोम जो है वो कितने साल रखी थी आपने 7 साल है सात साल हाँ। सात साल में आपका एक्सपीरियंस कैसा था उसकी वो अगर... भी अच्छा है वो भी मेरे पास ही है अभी सांगली में हाँ। अच्छा और एक बात बताओ उसका एक्सपीरियंस कैसा है अभी भी अच्छा है तो खराब कुछ दिया है मतलब कभी हुई है रास्ते में बंद पड़ी अब वो भी कोल्हापुर टू कोल्हापुर मतलब महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट वो किधर भी जाता है गाड़ी है मुंबई पुणे जाता और यार इतनी प्रीमियम गाड़ी लिए वो यहीं पे घुमाते हो और स्ट्रोम लिया मतलब इतना भरोसा है इसके स्ट्रोम अच्छा है ना इससे स्ट्रोम अच्छा है यार टेस्ट ड्राइव भी करा के आएंगे काफी ऐसे राउंड मार के बढ़िया लोहा है भाई साहब काफी अच्छा लगता है लोहा बढ़िया लगता है और ऐसे मैंने जो है ना वो हिमाचल प्रदेश वदेश में वो वीडियो देखे थे जो भी उसके ऊपर पत्थर गिर के बाहर जाता है उसकी गाड़ी को कुछ भी नहीं आपको लगता है कि गाड़ी बहुत स्ट्रांग है बहुत स्ट्रांग है और आगे भी टाटा ही लोगे ऐसा लगता है टोयोटा के बारे में कभी नहीं गए टोयोटा की क्रिस्टा आप जैसे पर्सनालिटी हो ना टोयोटा क्रिस्टा विस्टा आमदार खासदार जैसी फीलिंग आनी चाहिए आप जो पैसा है वो इंडिया को देना चाहते हो अपनी भारत का लोहा है रतन टाटा जी का लोहा है उसका भरोसा है उनको देना चाहते हो पैसे है कि नहीं अभी 25 लाख कितने ऑन रोड कितने में उस टाइम 2019 में पड़ी थी 2019 में 22 लाख रुपए कह दिए तो आज के रेट में 28 लाख रुपए कीमत है इस गाड़ी की 28 लाख रुपए आप सोच सकते हो कितना टैक्स बढ़ा दिया 3-3 लाख रुपए टैक्स बढ़ा दिया गवर्नमेंट ने वो भी डीजल में आपको ये बात अच्छी लगती है अच्छी लगती बढ़ा दिया पैसे बढ़ा दिया अच्छा पैसा नहीं बढ़ा दिया लेकिन डीजल में कैसे पोल्यूशन करते हैं ना तो इसके वजह से आपको जो है वो सब कुछ जो है देखना पड़ता है और भाई सब ये गाड़ी का फील भी अलग मैं अभी उधर आ जाता हूँ आप इधर आ जाओ 2 मिनट और ये हैंड ब्रेक की पोजीशनिंग ना ये मुझे बिल्कुल बढ़िया अच्छी नहीं लगती जो भी नॉर्मल हैंड ब्रेक दे सकते थे अभी अंदर यहाँ पे आ जाते हैं इस तरह से आपको जो है वो इंटीरियर वगैरह देखने को मिलता है इस तरह से गाड़ी थी यहाँ पे और यहाँ पे ना मैं थोड़ी सी चला के वाला के दिखाऊंगा भाई साहब की गाड़ी चलाई नहीं है तो थोड़ी सी चला के भी दिखाता हूँ भाई साहब गाड़ी तो पीक तो पॉइंट है यार गाड़ी का बड़ा मानना होगा यार इसके लोहा होगा स्ट्रांग बनाया अब एक बात है इसके 6-way एडजस्टेबल वेंटिलेटेड सीट्स वगैरह सब कुछ ऑप्शन आता था इस गाड़ी का ये देख लो पूरी की पूरी जो है वो ऊपर जाती है गाड़ी इतना थाम तो तुम्हें जाऊन गाड़ी घेऊन जाऊ मी इथं थांब येणार आहे ना परत परत जाणार आहे काय 2 मिनिटं झालं 2 मिनिटं झालं बाकी सब कुछ बढ़िया मिलता है गाड़ी का टोटल एक्सपीरियंस काफी बढ़िया तो एक नंबर है जवाब नहीं और दूसरी बात है इस टाइम ये अगर आप स्विच करते हो उसके बाद तो कौन सी गाड़ी लेना पसंद करोगे टाटा सफारी और कोई नहीं है और दूसरी बात है टाटा का लोहा भारी वर्क काफी बढ़िया था यार कुछ भी मानना पड़ेगा टाटा सफारी उसके बाद सफारी और ये जो है वो हैरियर है और सफारी और हैरियर एक ही है सिर्फ खींच रखा है पीछे है सफारी कभी चलाई है इसकी ब्रांड न्यू नहीं चला और पीछे बैठे हो इस गाड़ी के कभी नहीं। कभी नहीं बैठे सिर्फ चलाई है बच्ची लगती है और इसके कंपेयर करोगे तो एमजी की कोई गाड़ी चलाना आज के रेट में पसंद करोगे नहीं चलो ये था अपना कुछ बढ़िया एक्सपीरियंस भाई साहब के साथ आपका नाम आदित्य अर्जुन करो ऑटोमेटिक 6-speed जो है वो टॉक कन्वर्टर उसके साथ खुश है और गाड़ी लेना नहीं चाहते और एक ही बार उन्होंने पैसा डाल दिया और सफारी स्ट्रोम चलाते हैं और वो सफारी स्ट्रोम आप घुमाते हो और ये यहीं पर चलाते हो और ये स्प्लेंडर जैसे यूज करते हैं और सफारी स्ट्रोम जो है वो इनोवा क्रिस्टा जैसे यूज करते हैं मर्सिडीज जैसे है ये होती है टोटल ओनरशिप और सच्चा रिव्यू वीडियो देख ले और हमारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए सतीश जी बहुत बहुत धन्यवाद सतीश धन्यवाद सतीश जी बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच